अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, आज 6 नवंबर 2024 डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट की स्थिति को देखने वाले हैं। जी हाँ, कि अभी और कितना समय लगेगा रिजल्ट को लेकर, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2024 की क्या अपडेट है, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही, जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने आर ओ ए आर ओ का फॉर्म भरा होगा। एसआई भर्ती के लिए एक पद पर 3,402 की दावेदारी है। यहाँ पर देखिए, पीसीएस और आर ओ ए आर ओ प्री 2 दिन में होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होगी, आर ओ ए आर ओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 22-23 दिसंबर को होने वाली है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना, ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने अभी रख रहे हैं, इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, कंप्यूटर करेगा मानकीकरण, फुल प्रूफ है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार सार्वजनिक किया फार्मूला, 1 दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र न मिलने की बताई व्यवस्था। ठीक है, ये बड़ी खबर है, तो इस अपडेट पर भी हम लोग ध्यान देंगे। फिलहाल आर ओ ए आर ओ पी सी एस, जी हाँ, इसकी प्री की एग्जाम डेट शीट आ चुकी है और इस दिन ही आपका एग्जाम होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो फिलहाल एसआई में कंपटीशन जान सकते हैं कितना ही ज़्यादा है। 15,38,000 बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, 4 साल के अंतराल के बाद आई भर्ती, जिसके चलते बम्पर आवेदन आ चुके हैं। ठीक है, एक ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। फिलहाल दोस्तों ये सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट यहाँ पर देख सकते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 8वां सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जुड़ जाता है, जहाँ पर आप आसानी से 24 या 25 में 25 नंबर प्राप्त करते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी होती है। फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा में देख सकते हैं, यहाँ पर 8वां सब्जेक्ट आपको शांति शिक्षा एवं सतत विकास का मिलता है, जो कि 25 नंबर का होता है। ठीक है, ये क्लियर। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, क्या अपडेट है भाई, क्यों देरी हो रही, क्यों इतनी ज़्यादा देरी हो रही। हो रहा था कि दीपावली के बाद आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, दीपावली बीत गई, रिजल्ट नहीं आया। अगर आपका रिजल्ट फेल लिख कर आता है तो इसके लिए हमें कौन सी ग्रेडिंग देखनी होती है, ग्रेड होता है डी, डी का मतलब होता है फेल। आप देख लीजिए जहाँ पर भी आपको डी दिखाई, ये डी का मतलब फेल है, बाकी आपको कहीं पर भी डी ग्रेड आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। 1 नंबर भी पाएंगे तो भी आपको डी ही ग्रेड मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि ई आ जाएगा। ए बी सी डी 4 ही ग्रेड सिस्टम है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे के रिजल्ट में पास है तो कहीं पर भी आपको डी नज़र नहीं आएगा, सी तक दिख रहा है लेकिन डी नहीं दिखेगा। परसेंटेज अगर निकालना होगा तो इन सभी नंबर को जोड़ देंगे, लिखित और आंतरिक को जोड़ने पर सिंपल सा आप 8 से भाग कर दीजिएगा, किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट निकालना है आ जाएगा। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ सारा रिजल्ट देखना है तो टोटल नंबर जोड़ के 32 से भाग कर देंगे, आपका रिजल्ट परसेंटेज आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ आपके सामने रिजल्ट आएगा, कितने बच्चे पास कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो चलिए एक बार हम लोग मोबाइल में रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है उसका एक प्रोसेस देख लेते हैं, ताकि रिजल्ट आते ही सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में google.com वेबसाइट ओपन करनी है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com DELEDRESULT.com सर्च करेंगे। सर्च करते ही सबसे ऊपर DELEDRESULT 2024 यहाँ पर देख सकते हैं, .com वाली वेबसाइट ओपन करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे DELED BTC ऑल सेमेस्टर रिजल्ट का आपको दिख रहा है, फर्स्ट या थर्ड का आप यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। हम कहेंगे आल पर ही आइएगा और एक बात का ध्यान दीजिएगा, आज की डेट जरूर देखिएगा, 6 नवंबर को वीडियो देख रहे हैं 7 को देख रहे हैं, ये आना चाहिए। दीपावली के बाद आएगा परिणाम, ये सबसे पहले इस वेबसाइट से जानकारी आपको मिली थी, लेकिन दीपावली बीत चुकी है भाई, अब सब कुछ खत्म हो रहा है कि अब छठ पूजा के बाद तो रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए अगर हमें 2022 बैच का देखना होता तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर देखना है स्पेशली तो 2023 बैच पर क्लिक करेंगे। बाकी और बैच में उन बच्चों का बैक पेपर रिजल्ट आएगा, जैसे 2021 बैच, 19 बैच, 2022 बैच का एक रिजल्ट दिखाते हैं। मान लीजिए इनका सेकेंड सेमेस्टर देखना होता, क्लिक हियर पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ डालने में दिक्कत, यहाँ डेट पिकर में आइए, यहाँ पर जो ईयर दिख रहा 2024 इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये कर्सर को ऊपर ऐसे धीरे धीरे ले जाइए, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1995, ठीक 1995 क्लिक करिए, महीना मई है और डेट 10, तो 10/5/1995 रोल नंबर डालिए, सर्च पर क्लिक करिए, आपका रिजल्ट ओपन। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आप रिजल्ट कभी भी जारी होगा, तैयार रहिए, ऑल द बेस्ट।